हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और यहाँ आज इस कचरे के ढेर में हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे हम DIY कर सके। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, ये पुराना मिल्क कैन और साथ ही ये एक एल्युमिनियम ड्रम है। ये दोनों चीज़ें 20 से 25 साल पुरानी है, तो इसे हम आज पेंट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे डेकोर पीस में। दोनों में हमने मधुबनी आर्ट ट्राई किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट विद दिस कैन। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बेस पेंट अप्लाई करेंगे। बेस के लिए मैंने ये एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन बेस पेंट अप्लाई किया है, वॉल पेंट, जो मैं हमेशा बेस के लिए अप्लाई करती हूँ। आप चाहे तो जिसो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो हमने दो कोट पेंट का अप्लाई कर लिया है और अब हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक कलर्स। तो बेस में हमने रेड और येलो यूज़ किया है, टॉप एंड बॉटम पे रेड कलर एंड मिडिल पोर्शन में येलो कलर। अब जो हमारा मधुबनी डिज़ाइन है उसे मैंने पहले पेंसिल की हेल्प से रफली स्केच कर लिया है। और इसे मार्कर की हेल्प से हाईलाइट कर लेंगे। ओके, सो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कलर फिल करने की। मुझे जब ये मिल्क कैन मिला तो मैंने बहुत सोचा कि इसका हम क्या कर सकते हैं, एंड सोचने के बाद फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि इस पे मधुबनी पेंटिंग अच्छा लगेगा। और इसकी पिक्चर भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाली थी, आप लोगों से पूछा था कि इसका क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे सजेशंस यही आए थे कि इस पे या तो मधुबनी पेंटिंग कर सकते हैं या वॉर्ली आर्ट कर सकते हैं और इसे एज अ डेकोर पीस या फिर प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो फॉर क्विक स्टोरीज एंड अपडेट्स। ओके, सो कलर हमने फिल कर लिया है और लास्ट में हम अगेन मार्कर की हेल्प से हाईलाइट कर लेंगे। मधुबनी पेंटिंग की मेन खूबसूरती जो हम लास्ट में ब्लैक कलर से हाईलाइट करते हैं उसी के बाद आती है, और इस प्रोसेस में जो मार्कर है वो बहुत कन्वीनियंट रहता है। मैं हमेशा इसमें मार्कर ही यूज़ करती हूँ। सो इट्स डन, और ये रेडी है हमारा मधुबनी मिल्क कैन। तो इसे मैं प्लांटर की तरह यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे सिंपली भी रख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट प्लांट नहीं डालकर प्लांट को पहले एक बॉटल में लगाया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है। इससे जब चाहे तो इसे निकाल भी सकते हैं। तो ये है इसका बिफोर एंड आफ्टर लुक। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नाउ कमिंग टू दिस ड्रम, तो ये भी 20 से 25 साल पुराना एल्युमिनियम ड्रम है जिसे हम आज पेंट करेंगे। तो अगेन बेस में मैंने ये एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन पेंट अप्लाई किया है। और डबल कोट अप्लाई करके हमने इसे ड्राई कर लिया है और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सेम एक्रेलिक कलर्स। तो बॉटम का बॉर्डर के लिए मैंने पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया है, उसके बाद ग्रीन एंड उसके बाद पिंक। कलर चॉइस इज ऑलवेज अप टू यू, आपको जो पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टॉप पे हमने ग्रीन एंड पिंक अप्लाई किया है। अब मिडिल वाले पेश पोर्शन में, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं हम, तो जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसे पहले पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे।
और अब हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। मैंने जो कलर से बॉर्डर क्रिएट किया है उसी से मिलते जुलते कलर अप्लाई कर रही हूँ। और ये है हमारा लिड, इसके ऊपर भी हमने कुछ लीफ डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है और लास्ट में हम मार्कर की हेल्प से डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये वाला प्रोसेस आप पेंट और स्मॉल ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा, सो आई ऑलवेज प्रेफर मार्कर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और अंदर की डिज़ाइन को फिल करने के लिए हमने ये थिन मार्कर यूज़ किया है। ये दोनों ही मार्कर आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा। जो हमने बेस पेंट यूज़ किया है वो आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं कलर वगैरह वो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगी। सारे प्रोडक्ट के मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड वी आर डन विद द पेंटिंग। आप लास्ट में इसके ऊपर पेंटिंग को सिक्योर करने के लिए वार्निश जरूर अप्लाई कर लेना एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट ट्रांसफॉर्म। अंदर हमने कुछ भी पेंट अप्लाई नहीं किया है ताकि इसमें जो कुछ भी रखना हो वो हम रख सकें, पेंट हमने बस बाहर अप्लाई किया है। सो आई होप आपको आज के ये दोनों ट्रैश टू ट्रीजर DIY पसंद आए हों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो।